चिकमंगलूर, मास्क उतार देता हूँ। आज हम जा रहे हैं चिकमंगलूर और अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम कर रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग और हम लोग जा रहे हैं चिकमंगलूर। अभी हम लोग हैं हाईवे पे और जब आप बैंगलोर से चिकमंगलूर जाते हैं तो सबसे पहला स्टॉप जो कि बहुत पॉपुलर है, हल्ली माने ढाबा कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, कैफ़े कह लो, हल्ली माने एक जगह है, हल्ली माने जहाँ आप खाना खा सकते हैं और आपको प्रॉपर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मिलेगा, इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, जो कि अभी अंदर दिखाएंगे हम आपको ऑर्डर करेंगे तो। और ये हैं वो स्टार जिनका ये रेस्टोरेंट आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अभिषेक भाई साहब अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हैं अपना। काफी अकेले। और इनको घसीट के लाया गया है बेसिकली इनके घर से बड़ी मुश्किल से। तो हम लोग खाने जा रहे हैं डोसे की चटनी पहली बाइट। वाह वाह, घी वाला डोसा भाई ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, खाना कैसा लगा दिल्ली वालों को? छोले भटूरे वाले खाने वाले लोग नहीं, छोले भटूरे से भी ज्यादा घी। अच्छा भाई, ये तो अब ओके, तो अब घी को उतारने के लिए कॉफी पी जा रही है और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने होम स्टे की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में और गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है। मैं आपको होम स्टे दिखाता हूँ होम स्टे कैसा है। पहुँचने में थोड़ी सी मेहनत लग गई यार और काफ़ी टायर्ड हो गए हम लोग, ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लग गए हमें विद वन स्टॉप जो कि हल्ली बेलू था। गाड़ी थोड़ी लगभग भी गई नाली में, थोड़े गिर गई थी यूटर्न लेने में, रोड स्पॉट नैरो है। अच्छा, तो ये होम स्टे जो है इसका नाम है गोबाची गुड्डू, विच मीन्स स्पैरो नेस्ट इन इंग्लिश। तो मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये देखो। सो ये ऐसे एंट्रेंस है यहाँ से और वो ओनर का खुद का घर है एंड दिस इज फॉर पीपल आर कमिंग देयर गेस्ट बेसिकली। दो रूम्स हैं यहाँ पे, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आया था। ओनर बहुत अच्छा है और खाना यहाँ बहुत अमेजिंग है तो इसलिए दोबारा बुक हमने यहीं किया, अगर बिकॉज रिजर्वेशन मिल गया बाई चांस तो दोबारा हमने यहीं बुक किया। प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ सिर्फ दो ही रूम्स हैं तो आपको तो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहती है यहाँ पे, बट खाना और रूम्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अभी रूम में चलते हैं, चलो रूम्स देखते हैं। और यहाँ लड़कियों ने हिमांशु को बंद कर दिया था, अभी आज़ाद हुआ है ये। सेटअप लग गया है, दिख रहा है क्या? ये रहा वीडियो। तो इससे पहले हम कुछ डिसाइड कर पाते कहाँ घूमने जाएंगे, बारिश हो गई है और यहाँ चल रहा है फोटोशूट।
तो शाम को चाय और पकोड़े खाने के बाद अब डिनर का टाइम हो गया है। और गोबाची गुड्डू, जैसे मैंने बताया आपको कि खाने के लिए बहुत सही जगह, मतलब फूड यहाँ बहुत अमेजिंग है। तो डिनर के टाइम पे हम आए हैं यहाँ पे और वैरायटी देखिए आप यहाँ पे। सबसे पहले है ये नीर डोसा, विच इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक राइस। और फिर है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज दिस, पनीर, पनीर ग्रेवी पनीर, बॉइल्ड राइस, वाइट राइस, सो मच ऑफ दिस इज फूड, रसम। रसम हिमांशु, ये तेरे लिए, यहाँ पे तेरे लिए चिकन दिस इज चिकन करी, दिस इज ड्राई चिकन, ड्राई चिकन, ओह माय गॉड, एंड कर्ड। विदाउट ओपनिंग वी आर टेलिंग दिस इज कर्ड विद नॉर्मल मिल्क। ओके, देखो यहाँ प्लेट लगनी शुरू भी हो गई है अभी से की, और अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और ये है लेडी फिंगर, भिंडी बॉइल्ड एग रात में, और मैंगो करी, मैंगो सैलेड, सैलेड इज देयर, एंड देन पापड़, कटलेट। मतलब यार डिनर में कटलेट कहाँ मिलते हैं। चपाती, वन ऑफ द गुड थिंग, और हाँ ये स्पेशलिटी है गोबाची गुड्डू की, दिस इज कोकोनट स्वीट, ये जेली के फॉर्म में होती है, पता नहीं क्या रेसिपी इसकी, बट दिस इज अ स्पेशलिटी, कोकोनट सुप्ले। और गुड पार्ट इज दैट क्वांटिटी में बहुत सही खाना बना हुआ है, इट विल नॉट गो वेस्ट ऑल्सो। वही देखो डाइनिंग टेबल है यहाँ पे, और सब अपना अपना खाना लगा रहे हैं। सुना है ना, सब ले लिया तुमने वेज में? नहीं, I didn't take rice. सुना है ना कि प्लेट नीर डोसा स्पेशलिटी है, और ये जो स्वीट मैंने आपको दिखाया वो, तो देखो सब एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि वैरायटी इतनी सही है। और क्या चाहिए भाई, चल रही है, कैसा लग रहा है वैसे, सही बताओ यार, वैरायटी तो सही है, बहुत अच्छा है, प्लेट में ज़्यादा ना कि कटलेट तो बनता है, ये तो शाम को मिल जाता तो मज़ा आता है। असले आलू टिक्की, चलो हम लोग खाना खाते हैं और फिर आपसे कल मिलेंगे। रसम भी अच्छा है, और कल हमने अपना घूमने का प्लान बनाया बेसिकली, और उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा सुबह कि क्या सीन है चिकमंगलूर में घूमने का भी। तो दोस्तों दिन को एंड करते हैं और कल जाएंगे हम लोग घूमने, और तो अब हम कुछ गेम्स खेलेंगे बाहर बैठ के और बॉनफायर एंजॉय करेंगे। दिल जदो दिल ना बटा लिए, हाथ नहीं अपना छुड़ाई दा, सोने जदो मिल जान लखनी, कदे नी यार बटाई दा, नचना ज पैज बज घुंगरू, नच के भी यार मनाई दा, जे ना हो गे